सो हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहाँ हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुँचाने की होती है। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को कम्प्लीट किया था, पिछले 3 वीडियोज में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की और देखेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइप्स आपको क्लियर कर दूं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में, ताकि एग्जाम्स में जब वो क्वेश्चन आए तो आप इजिली सॉल्व कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक चार्ज गिवन है 1 माइक्रोकूलम का, जो कि टी पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है, और हमें पी पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, उसका भी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमें गिवन है। तो देखो, कभी भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन हो और हमें फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो हम वेक्टर वाला फॉर्म यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू मॉड ऑफ आर क्यू इंटू वेक्टर आर, यही होता है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्यू तो हमें पता है, हमें अब आर वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो उसको कैसे फाइंड करते हैं। ये वेक्टर देखो, ये पॉइंट्स देखो, ये पॉइंट्स तो 3D के पॉइंट्स है, प्लेन पे दिखाना पॉसिबल नहीं। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये पी जो टी पॉइंट है वो यहाँ है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 1 मीटर 2 मीटर और 4 मीटर है, और इसको मैं सपोज कर लिया ये पी पॉइंट है जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, और टी क्या है जहाँ चार्ज प्लेस किया हुआ, ऑरिजिन ये ले लो ओ। तो ये वेक्टर अब क्या करना होता है तुम्हें, ये वेक्टर फाइंड करना हो, ये वेक्टर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखो, टी को पी को वेक्टर के फॉर्म में लिखो, और आर जो होता है वो वेक्टर होता है जहाँ जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ और जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट के बीच का वेक्टर, मतलब इस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का वेक्टर होता है आर। तो ये वेक्टर हमें फाइंड करना है। ये वेक्टर देखो, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, इसको मैं आर टी ले लेता हूँ। आर टी वेक्टर कितना होगा, 1 - 0 1 आई कैप, 2 - 0 2 जे कैप, 4 - 0 4 के कैप, ये हो गया आर टी वेक्टर। इसी तरह आर पी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 आई कैप, -4 - 0 - 4 जे कैप, और 3 - 0 + 3 के कैप, यही होगा। अब ये वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल लॉस है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए, ट्राइंगल लॉस है। एडिशन लॉस से अगर देखेंगे तो इसको मान लिया मैं एक्स, तो आर टी वेक्टर आर टी प्लस वेक्टर एक्स इज इक्वल टू आर पी होना चाहिए। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, आर पी माइनस आर टी, बस फाइंड कर लो एक्स वेक्टर। एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, आर पी 0 - 1 - 1 आई कैप, -4 - 2 - 6 जे कैप, और फिर 3 - 4 - 1 के कैप, ये हो गया वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, -1² + 6² - 6² + -1² यही होगा ना। तो ये हो गया एक्स, तो एक्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √38। अब ई फाइंड करना हमें, बस इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो इज इक्वल टू के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होता है, इंटू चार्ज कितना की बने 1 माइक्रोकूलम, तो 1 माइक्रोकूलम में 1 × 10⁻⁶ कूलम हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है। अब मॉड आर पता है, मॉड आर √38 का क्यूब, और वेक्टर तुम्हें पता है कितना हो जाएगा, आर वेक्टर देखो -1 i कैप - 6 j कैप - 1 k कैप, यही होगा। और यूनिट कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, तो यूनिट का यूनिट भी मेंशन करना मैंडेटरी है फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस कैलकुलेट कर लो, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करके छोड़ देता हूँ, कैलकुलेट कर लेना। तो √38 को कैसे, √38 का क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बाकी वेक्टर लिख दो -i कैप - 6 j कैप - k कैप। तो अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में तुम्हें पॉइंट गिवन है, मतलब इस तरह से पॉइंट अगर क्वेश्चन में गिवन है और तुम्हें फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, और वेक्टर फॉर्म के यूज से डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ये डायग्राम जो गिवन है, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है पॉइंट पी पे, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा पर सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसको देखने से पहले दो चीज़ें देख लो,
इन सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो उसका फॉर्मूला मैंने डिराइव किया हुआ है ऑलरेडी पीछे की, अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम मेरे पीछे की वीडियोज देख सकते हो, वहाँ मैंने क्लियरली इसको प्रूफ किया है कि कैसे आता है। तो अगर पॉइंट पी पे बात करूँ, इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पी पे तो होता है मैग्नीट्यूड रूट टू के लैम्डा बाई आर, आर जो है ये डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस आर होता है, ये तो होता है मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन ये होता है, तो ई का डायरेक्शन ये होता है, तो डायरेक्शन और ये ध्यान रखना है। यही अगर इसकी वजह से बात करूँ मैं, रिंग की वजह से, ये रिंग है तो रिंग की वजह से होता है, तो आर की वजह से देखो, अगर आर की वजह से देख ले तो जो आर की वजह से होता है वही, ये भी एक आर की है, तो आर की वजह से जो पॉइंट पी पे अगर सेंटर है, पॉइंट पी जो कि यहाँ दिख रहा है कि पॉइंट पी जो है इसका सेंटर है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे अवे होता है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके टूवर्ड्स होता है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। तो ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखो। बाकी इसका मैग्नीट्यूड अगर देखूँ तो 2k λ/r sin θ/2 होता है, थीटा क्या होता है, ये जो एंगल थीटा होता है, तो बस इसकी वजह से देखो, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, इस रिंग की वजह से डायरेक्शन तो ये होना है, और मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो 2k λ/r sin θ/2 कितना होगा, ये 180 डिग्री है, तो θ/2 90 डिग्री यानी 2k λ/r होगा, डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अब इसकी वजह से फाइंड करते हैं और इसकी वजह से फाइंड करते हैं, तो देखो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होना है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होना है, इधर 45 डिग्री पर होता है, ये जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है, ठीक है, इक्वल इंक्लाइन, तो ये इधर होना है डायरेक्शन, तो ये अगर ई है तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस 45 डिग्री और ये ई साइन 45 डिग्री, इसी तरह ये 45 है, तो इसी तरह इसकी अगर बात करूँ तो इधर इसका ये कंपोनेंट ई कॉस 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ई कॉस 45 डिग्री और ई साइन 45 डिग्री है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर वाला कंपोनेंट बचेगा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट बचेगा, 2 ई कॉस 45 डिग्री। अब ई कितना होता है, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से 2k √2k λ/r कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो कैंसिल, तो 2k λ/r आ गया, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा ई ड्यू टू रिंग प्लस ई ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, ये क्या सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी इनफाइनाइट वायर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, 2k λ/r − 2k λ/r = 0, तो ये हो गया आंसर 0। तो अब इसी के सेकेंड केस की बात करूँ, तो सेकेंड केस में ये है कि हमारे पास एक रिंग है जिसपे, जिसके तीन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज और एक क्वाड्रेंट में नेगेटिव चार्जेज गिवन है, तो हमें पॉइंट पी पे, जो पॉइंट पी है इस बार सेंटर पे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आर की वजह से किधर होता है, डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो अगर आर्क वाइज हम बात करें, इसको मैं मान लेता हूँ एक आर्क, फिर दूसरा ये आर्क, फिर थर्ड ये और फोर्थ ये, चार आर्क में इसको डिवाइड कर देते हैं, तो आर की वजह से मैग्नीट्यूड कितना होता है, √2k λ/r (sin θ/2) यही होता है। तो देखो ये कितना है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो इसको 90 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, √2k λ/r (sin θ/2) = √2k λ/r होना है, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 से 2 कैंसिल, तो √2k λ/r, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड कितना, √2k λ/r, सेम चारों की वजह से। अब डायरेक्शन अगर देखें तो इसकी वजह से डायरेक्शन किधर होना है, इधर, इसकी वजह से किधर होना है, इधर, इसकी वजह से किधर होना है, इससे अवे, और इसकी वजह से किधर होना है, इसके टूवर्ड्स, मतलब अगर इसको चार पार्ट में मैं ले लूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो E1 कहाँ होना है, इधर, E2 कहाँ होना है, इधर, नहीं सॉरी E2 किधर होना है, इधर, E4 किधर होना है, इधर, और E3 किधर होना है, इधर, यानी E1 + E3 इस डायरेक्शन में, और E2 और E4 कैंसिल कर रहे होंगे, तो E2 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो E1 + E2 + E3 + E4, और वेक्टर वाइज बात करूँ तो E1 + E3 एक डायरेक्शन में है, और E2 और E4 डिफरेंट डायरेक्शन में, तो ये कट जाएंगे, और ये पता है मुझे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि चारों का मैग्नीट्यूड सेम ही है ना, यही होगा ना, क्योंकि एंगल आर की वजह से एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो फॉर्मूले से अगर मैं फाइंड करूँ तो इतना ही आना है, तो कितना हो जाएगा √2k λ/r,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा √2 √2 k λ/r, और डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। अगर आपको आर की वजह से, रिंग की वजह से, या फिर लाइन चार्ज की वजह से, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से, डिफरेंट केसेज में जो मैंने बताया है पिछले वीडियोज में कवर किया है, अगर उससे उस सारी डेरिवेशंस की जो लास्ट में जो कंक्लूजन है या फिर फॉर्मूला बोले वो अगर आपको याद है तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाना है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और हमसे पॉइंट पी पे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि स्क्वायर के सेंटर से वाई डिस्टेंस पे है वो पॉइंट। उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो, अगर इसकी वजह से इस पॉइंट पे फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, अगर क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की बात करूँ पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यही होना है। तो हमें आर बस चाहिए, क्यू तो गिवन है, हमें आर चाहिए। तो आर क्या होगा यहाँ पे? तो देखो आर क्या होगा, आर ये होगा क्यू और पी के बीच का पॉइंट। तो इसको मेन अज्यूम हमें विजुअलाइज करना है कि कैसे आखिर ये फाइंड करेंगे। तो मैं अगर इस सेंटर से ये मान लूँ पी पॉइंट है, क्योंकि 2D में तो मैंने दिखा दिया ऐसे, लेकिन पॉइंट पी होगा कहाँ एक्चुअली? अगर इसको एक्स वाई प्लेन मान लूँ तो जेड प्लेन में होगा, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में होना है। तो यहाँ पे अगर पी मान लूँ, ये डिस्टेंस वाई है, तो ये मैं इस डिस्टेंस को बोल रहा हूँ आर। तो चलो इसको नाम दे देते हैं। मान लो ये स्क्वायर है ए बी सी डी और ये ओ ए है। तो अगर ये ओ ए है, ये ओ पी है, तो ये ए पी जो है वो आर को डिनोट कर रहा है। यहाँ से अगर देखोगे ध्यान से तो ये जो ट्रायंगल है कौन, ओ ए पी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ये एंगल जो है 90 डिग्री, देखो इसके डायगोनल और इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया हमारे पास, ओ ए पी, ठीक है। अब ओ पी तो हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है वाई, ओ ए हमें फाइंड करना है। तो ये अगर एल है तो ये भी एल है क्योंकि स्क्वायर है। तो पाइथागोरस थ्योरम से एच इज इक्वल टू √p² + b², दोनों एल है हमारे पास, तो l² + l² कितना हो जाएगा √2l। तो हमारे पास ए सी इज इक्वल टू बी डी आ गया, कितना √2l, क्योंकि ये अगर √2l है तो ये भी √2l है, डायगनल इक्वल होता है स्क्वायर का। यहाँ से फिर ओ अगर फाइंड करूँ तो ए सी बाई टू होना है, यानी √2l/2, यानी l/√2। तो यहाँ से ओ आ गया, कितना आ गया l/√2। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा एक पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से, के क्यू अपॉन r² आर कितना हो, इससे r हमें फाइंड करना है। तो ये r है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से r² = OA² + OP² मैं लिख सकता हूँ, और r² = OA² + OP² तो r = √OA² + OP² तो ओ ए स्क्वायर कितना है l/√2, तो l² / 2 हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, और ओ पी स्क्वायर कितना है p, तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसका स्क्वायर यानी r² करेंगे तो कितना आएगा l² / 2 + p² ये हो गया एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E due to चार्ज एट a, ठीक है qa। अब ये सिमेट्रिक फिगर है, तुम्हें दिख रहा होगा। इसकी वजह से अगर डायरेक्शन की बात करें तो देखो, इस पॉइंट पर अगर डायरेक्शन की बात करें तो इससे अवे होना है, यानी ये इवन होगा, और इसकी वजह से अब डायरेक्ट मैग्नीट्यूड तो अब चारों की वजह से सेम होना है, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है। जो डिस्टेंस यहाँ से होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो चारों की वजह से यही होना है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ए की वजह से, क्यू बी की वजह से, क्यू सी की वजह से, क्यू डी की वजह से, चारों की वजह से यही होना। चारों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो चारों की वजह से मैग्नीट्यूड तो ये। अब डायरेक्शन की बात करें अगर, तो इसकी वजह से इधर होगा E1, तो इसकी वजह से इधर होगा E2, तो इसको मैं थीटा लेता हूँ, मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा ले लिया मैं, थीटा ले लेता हूँ, चलो ये हो गया थीटा। तो थीटा किसके बीच है, ए, मैं ए पी ओ एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, यानी ए ये एंगल जो है वो थीटा है। तो ये अगर थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा, और सिमेट्रिक से अगर देखें तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यानी ये भी थीटा होगा। तो देखो अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में मैं डिवाइड कर दूँ, तो ये अगर E1 है तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, और ये E1 sin थीटा, यानी E sin थीटा, और ये भी E sin थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मतलब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को, यानी cos कंपोनेंट सिर्फ बच रहा है, sin कंपोनेंट कैंसिल होगा। इसी तरह इन दोनों की वजह से भी sin कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, बस cos कंपोनेंट बचेगा। तो हमारे पास नेट E कितना बचेगा, चारों का cos कंपोनेंट, तो 4E cos थीटा,
ई पता है हमें, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी स्क्वायर। अब हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, तो इस ट्रायंगल से ईजी है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है वाई, हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी स्क्वायर, आ रही है हाइपोटेनस है ना, बस रख दो इंटू कॉस थीटा की जगह वाई बाई एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी स्क्वायर टू द पावर वन बाई टू। तो इसको लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, फोर के क्यू वाई एल स्क्वायर बाई टू प्लस पी स्क्वायर टू द पावर थ्री बाई टू। ये हो गया नेट ई, नेट ई, नेट ई, तो यही हो जाएगा आंसर। यानी सिमेट्रिसिटी पहले भी फोर्स में भी मैंने यूज किया, यहाँ भी यूज किया, अगर सिमेट्रिक फिगर है तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। इसकी वजह से बस मैग्नीट्यूड तो चारों की वजह से सेम होना है, इसकी वजह से जो होगा उसी की वजह, उसी तरह बाकी तीनों की वजह से ही सेम होगा। अब डायरेक्शन मैंने विजुअलाइज कर लिया, इस दोनों की, इन दोनों की वजह से देख रहा हूँ साइन कंपोनेंट कट रहा है, तो इन दोनों की वजह से भी जो डायरेक्शन होगा उससे भी साइन कंपोनेंट कैंसिल होना है, क्योंकि ये सेंटर पे है ना, तो इस इन दोनों की वजह से अगर साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है तो इन दोनों, जैसे अज्यूम करो ना, इसकी वजह से अगर ये मान लो कि स्क्वायर है और हमें पॉइंट पी पे फाइंड करना है, तो इसकी वजह से किधर होगा, इधर, इसकी वजह से किधर हो जाएगा, इसकी वजह से देखो मान लो, चलो ये मान, इसी इसी को मान लो, इसकी वजह से किधर हो जाएगा, इधर, इसकी वजह से किधर होगा, इधर, इसकी वजह से किधर होगा, इधर, इसकी वजह से किधर होगा, इधर। अब उसको ब्रेक करेंगे तो एक प्लेन में आ जाएगा पॉइंट, चारों वेक्टर एक प्लेन में आ जाएंगे और चार जो वेक्टर है वो प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे। यानी देखो इसकी वजह से जो दो वेक्टर है किधर आ गए, ये एक प्लेन में आ गए और ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, तो चारों की वजह से जो वेक्टर है परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, और बाकी चार की वजह से वो एक ही प्लेन में रहेंगे। तो चार वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है एक प्लेन में, चार वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइंड है एक प्लेन में, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बाकी चार जो कॉस कंपोनेंट है वो इस प्लेन में है, तो चारों ऐड हो जाएंगे, ये कैंसिल करेंगे, ये ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो गया तो ये कॉस कंपोनेंट वाला कंपोनेंट बच गया, तो नेट डायरेक्शन किधर हो जाएगा, पी के तरफ। यानी अगर पी यहाँ है तो नेट डायरेक्शन किधर होगा, पी से पी के तरफ, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब अवे फ्रॉम पी, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इतना। तो इस तरह से तुमको डायरेक्शन विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है, और सिमेट्रिक का यूज, सिमेट्रिसिटी का यूज करके हम ऐसे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है जो कि अरेंज किए हुए हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, और चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा गिवन है और के तो तुम्हें पता है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले ये बात तुम ध्यान दो, जैसे पहले वीडियो, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, पहले के वीडियो में लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, अगर आर ये डिस्टेंस है तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, टू के लैम्डा बाई आर, यही होता है। आर क्या होता है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन यही होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकाल रहे उससे अवे लाइन चार्ज की वजह से। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब क्या ध्यान, अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 3D में बनेगा क्योंकि तीन एक्सिस में, तो इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि वाई एक्सिस में जो लाइन चार्ज रखा हुआ है और एक्स एक्सिस में जो लाइन चार्ज रखा हुआ है वो इस प्लेन पे मैं शो कर दिया, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड है तो इनफाइनाइट तक जाएंगे दोनों तरफ से, और एक लाइन चार्ज एक्स एक्सिस में, ये लाइन चार्ज ये जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन मान लेता हूँ, इस मार्कर से मैं दिखाऊंगा। तो देखो अगर इस पॉइंट की बात करें तो वो कहाँ होगा, अगर इस इधर हम मैं दिखा रहा हूँ इस प्लेन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, तो कहीं अगर ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ये ए पॉइंट, ए ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे ये यहाँ पे पॉइंट है, फिर ओरिजिन से वाई डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट है, तो ये मिलके ए ए जीरो बनता है, ये क्या है ए ए जीरो, और यही अगर ए डिस्टेंस मैं इस प्लेन पे ले लूँ यहाँ से, मतलब ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, तो ए ए बनता है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान सपोज कर रहा हूँ कि ये जो है ए ए ए है ये यहाँ पे। तो देखो अब एक्स एक्सिस की वजह से हम, मैं अगर एक्स एक्सिस पे जो लाइन चार्ज रखा हो उसकी वजह से फाइंड करूँ, तो विजुअलाइज करना इसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर होगा इस पॉइंट का, कहीं इधर, तो ये जो ये है डिस्टेंस वही आर होने वाला है, तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फाइंड करो, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए है, ये ए है, ये ए है ना, ये ए है जेड में, तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, तो ये कितना हो जाएगा ए बाई रूट टू पाइथागोरस थ्योरम से, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट टू ए, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया रूट टू ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स ड्यू टू
इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज केप्ट एट एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई रूट टू ए, यही हो गया। ये तो हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड, ऑफ डायरेक्शन की अगर बात करूँ टू के लैम्डा बाई रूट टू ए, टू के लैम्डा बाई होता ना, तो ठीक है तो कितना हो जाएगा रूट टू के लैम्डा बाई ए, यही होगा एक्स। तो एक्स हो गया इसकी वजह से, मतलब अब इसी की तरह ई वाई की वजह से भी फाइंड करेंगे तो सिमेट्रिक है। देखो ई वाई की वजह से अगर फाइंड करूँ मैं तो ई वाई की वजह से किधर होगा, ये होगा। अब ये होगा तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो डिस्टेंस रूट टू आना है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहना। अब डायरेक्शन की बात करूँ मैं तो एक्स की वजह से देखना डायरेक्शन, इसकी वजह से अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो किधर था डायरेक्शन, अगर ये आर डिस्टेंस तो इधर था इसी के तरफ, तो अगर ये डिस्टेंस है, तो इसी की तरफ होना है, कौन डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है तो इसी की तरफ होना है कहीं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो यूनिट वेक्टर अगर फाइंड कर लूँ मैं तो डायरेक्शन मुझे पता चल जाएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो इसको अगर रिजॉल्व करूँ मैं तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस जेड एक्सिस हुआ, तो ये के कैप होगा, और ये वाई एक्सिस हुआ तो जे कैप होगा, पॉजिटिव में तो वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। अब उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करूँ, आई कैप प्लस जे कैप का यूनिट वेक्टर तो कितना होगा, आई कैप प्लस जे कैप रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, कितना होगा आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। बस उसके बाद फिर फाइंड कर लूँ तो ई एक्स कितना हो जाएगा, सॉरी इसकी ये तो इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से कितना था जे कैप प्लस के कैप, इसकी वजह से कितना था इधर था ना, तो इसकी वजह से कितना था, देखो ये जेड एक्सिस में है तो जे के कैप, और ये वाई एक्सिस में है तो कितना होगा जे कैप, जे कैप तो एक्स कितना हो जाएगा रूट टू के लैम्डा बाई ए इन टू वेक्टर, अगर यूनिट वेक्टर बात करूँ तो कितना होगा जे कैप प्लस के कैप बाई रूट टू, तो एक्स इतना हो गया। आप सिमेट्रिक से बाकी निकाल लेंगे तो ई वाई कितना हो जाएगा रूट टू के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस के कैप बाई रूट टू, इसी तरह ई जेड कितना हो जाएगा रूट टू के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। तो बाकी चीज़ें फाइंड कर लो, तीनों निकल गया तो बाकी अब कुछ है फाइंड करने में, बस मेन विजुअलाइजेशन था, इसमें अगर विजुअलाइज सही तरीके से कर लिए तो हो गया काम। तो ई कितना हो जाएगा ई नेट ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, ई जेड तीनों की वजह से बस लिख दो, तो इसकी वजह से अगर बात करें तो कितना हो जाएगा के लैम्डा बाई ए आई जे कैप प्लस के कैप, इसी तरह इसकी वजह से के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस के कैप, इसी तरह के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस जे कैप, बस के लैम्डा बाई ए कॉमन लिए, के लैम्डा बाई ए कॉमन कितना हो गया देखो टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप, तो कितना हो गया के लैम्डा बाई टू के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने 3D में इसलिए बताया ताकि विजुअलाइजेशन क्लियर हो, फिजिक्स में जब भी 3D के क्वेश्चंस मिलेंगे तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले मिलेंगे, पिछले में भी देखा हमने परपेंडिकुलर टू द प्लेन था, इसमें भी था एक एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इस तरह से अज्यूम करना पड़ता है, मतलब विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, कुछ नहीं था बात वही थी, बस मैंने इस ये एक्सिस अज्यूम कर लिया, डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, डायरेक्शन से यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करते हैं वो पता होगा अगर वेक्टर तुम जानते हो तो इस तरह से डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया हमने। उसके बाद फिर ईनेट निकालना है तो सिंपल वेक्टर एडिशन कर दिया, यहाँ से ईनेट आ गया हमारे पास, ईनेट कितना आ गया टू के लैम्डा बाई ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इससे रिलेटेड जो टू एक्सिस वाले क्वेश्चन होंगे, जब एक्स वाई में तुम्हें गिवन हो, वाई जेड में गिवन हो, या फिर एक्स जेड में गिवन हो, तो तुम इस भी सॉल्व कर पाओगे क्योंकि वो 2D में होगा, तो इसी तरह से अप्रोच करना उस क्वेश्चन को भी, कॉन्सेप्ट यही रहना है, इससे इजी ही होगा क्योंकि 3D जब बता दिया मैंने तो 2D और इजी। इस वीडियो में बस यहीं तक, हमने कुछ क्वेश्चंस किए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और भी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पर मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन मैं लेके आऊँगा और सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।